की जो धमाकेदार जो प्रोग्राम था उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितनी मेहनत की थी और यहाँ पर आकर जो है इतनी सारी पब्लिक है, क्या कहना चाहेंगे? यह पब्लिक नहीं है, हमारा ब्राइटस्टार्ट फेलोशिप इंटरनेशनल स्कूल का फैमिली है जी। हर साल हम ये सब मनाते हैं और इसका पर्पस यही है कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चले और वेस्टर्नाइज ना हो, सिर्फ डिस्को और क्लब्स में ना जाएं, लेकिन ये हमारे दांडिया रास और हमारे भारतीय जो नृत्य है उसकी मजा लें। और इसका दूसरा महत्व यह भी है कि ये पूरा फैमिली को साथ में लाता है और हम इस खुशी से हर साल ये मनाते हैं। सर, आप जब एक पेरेंट्स से बात करते थे तो पेरेंट्स हम लोग को पेरेंट्स लोग ने हमने में बोला है कि ये एक स्कूल ऐसा है कि जहाँ कोई भी फंक्शन में खाली बच्चा नहीं आता है, वो हमारा फैमिली फंक्शन बन जाता है और वहाँ पेरेंट्स, मदर, फादर, बच्चे लोग के साथ सब लोग एंजॉय कर सके, होते और लुक फॉरवर्ड टू दिस फंक्शन। और उसमें से बच्चों लोग को कल्चरली भी बहुत सीखना मिलता है, संस्कृति भी भारत की सीखने मिलती है एंड प्लस वो लोग खुशी खुशी एंजॉय करके पूरा फंक्शन मनाते हैं जी। यहाँ पर बच्चों और उनकी फैमिली तो थी खास ही, आफ्ताब जी भी आए थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा कितना मज़ा किया आपने उनके साथ? आफ्ताब जी को भी एजुकेशन से बहुत ही लगाव है और वो हमेशा खुद मानते हैं कि एजुकेशन के जरिए पूरा देश बदल सकता है और उनका खुद का भी ऐसा विचार है कि कोई भी हालत में यदि अच्छा कल्चरल एंड प्रॉपर तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए तो ये कंट्री का फ्यूचर 50 साल के बाद कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगी कि मैं उनकी जो शिक्षण रत्न की जो भावना थी उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुई और उन्होंने यह भी बताया कि जब भी आपके स्कूल में एजुकेशन के लिए कुछ भी काम हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। सो इट वॉज़ अ बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े एक्टर होने पर भी वे इतने बच्चों के भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में इतनी अच्छी तरह सोच भी रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं।